हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर बैक विद अ न्यू क्वेश्चन। एक सर्किट गिवन है जिसमें ओमेगा की वैल्यू हमें 50 रेडियन पर सेकंड गिवन है। ठीक है, हमें इनपुट इम्पीडेंस बताना है। देखो कैसे करते हैं, एसी सर्किट आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो इंडक्टर या कैपेसिटर और सर्किट में होता है तो उन्हें भी क्या करना, इम्पीडेंस में चेंज करना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, हमेशा जब भी इनपुट इम्पीडेंस निकालना हो तो हमेशा पीछे से शुरू करते हैं। तो यहाँ से जब लास्ट हम देखेंगे, ये तीनों क्या है, पैरेलल में। ठीक है, मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, इन तीनों के। मैंने मान लिया ये जो पूरा इम्पीडेंस है क्या, जेड। ठीक है, तो इनका इम्पीडेंस निकालेंगे कितना हो जाएगा। देखो कैसे निकालते हैं, पैरेलल में 1 अपॉन जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन 20। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है, प्लस 1 अपॉन इसका इम्पीडेंस कितना होता है इंडक्टर आ जाए तो जे ओमेगा एल। ठीक है, जे ओमेगा की वैल्यू 50 और एल की वैल्यू 0.2, प्लस 1 अपॉन इसका कितना होता है, 1 अपॉन जे ओमेगा सी। तो 1 अपॉन जे ओमेगा की वैल्यू 50 और सी की वैल्यू देखो 1 मिली फेरेड, मिली में इसको फेरेड में चेंज करूँ कितना आएगा, 10 की पावर -3, इतना आ गया। तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन 20। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 50 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10। ठीक है, 1 अपॉन जे 10 ये ऊपर पहुंच जाएगा, और 50 की इससे मल्टीप्लाई करो 1000 -1000, ये हो जाएगा कितना, जे इंटू 50 × 10 की पावर -3, 1 अपॉन जेड इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/20, 1 अपॉन जे 10, और ये कितना आ जाएगा, इसको मैं वैसे करके लिख ले रहा हूँ। ठीक है, ये इससे 20 टाइम्स कैंसिल, तो ये 1 अपॉन जेड इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/20, 1 अपॉन जे 10 और j/20। इन सब का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 1 अपॉन जेड इक्वल्स टू 20 और j 10, 20 का एलसीएम कितना आएगा, 20 j। ठीक है, j 20, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, j की मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कितने की, 2 की, और यहाँ पे कितने करने पड़ेगी, जे की केवल। ठीक है, जे की करूँगा तो ये जे स्क्वायर हो जाएगा, जे स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये कितना होता है, j+1 j 20। ठीक है, इसका जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अपोजिट कर दो, j 20 और 1+j। ठीक है, अभी और सिंपल बना लो, इसका क्या कर लो, रेशनलाइजेशन कर लो, 1 - j से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 मैं बाहर लिख ले रहा हूँ, j की मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, तो j - j² ये कितना हो जाएगा, 1 - j² j² की जगह -1 रख दो, तो j ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये आ गया 1+j, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 - 1 2 हो जाएगा, तो जे कस टू कितना आ जाएगा, ये 10 का 10 टाइम्स इसे डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये आ गया 10 j 10 प्लस 10। तो इसका जो इनपुट इम्पीडेंस है कितना आ गया, j 10 प्लस 10। ठीक है, तो मैं इस सर्किट को अगर रीड्रो करूँ तो कितना कैसे दिखेगा, ये 10 ओम, यहाँ पे एक इंडक्टर लगा हुआ है 0.4 ओम का, यहाँ पे एक ये जेड है। ठीक है, जिसकी जिसकी वैल्यू कितना है, ये जेड है, जेड की वैल्यू आई है j 10 प्लस 10। ठीक है, इतना कर लिए। अब ये देखो, ये भी तीनों सीरीज में है मुझे, लेकिन क्या करना है, ये इंडक्टर है, इसका भी क्या करना है, इनपुट इम्पीडेंस, इसका इम्पीडेंस फाइंड करना, तो इसका इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, वही जे ओमेगा एल। ठीक है, इसका जे ओमेगा की वैल्यू 50, एल की जगह 0.4,
तो ये कितना आ जाएगा, J20। ठीक है, तो हमारे पास तीन इम्पीडेंस है, ये और ये, तो जेड इन इन कितने के इक्वल आ जाएगा, तीनों सीरीज में। ठीक है, ये कैसा आप सीरीज सर्किट, तो 10 + J20 प्लस जेड की वैल्यू, J10 + 10, जेड इन की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, देखो 10 + 10 = 20, और ये कितना आ जाएगा, J30। ठीक है, तो इनपुट इम्पिटेंस हम आ चुका है हमारे पास 20 + J30। ठीक है, इस तरह से जो भी सर्किट दिखेगा, हम अभी तो सिंपल सर्किट लेने, ऐसे ही और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट आएंगे। ठीक है, इस तरह से ही करते चले आएंगे, बस रूल एक ही रखना, जैसे मैंने बताया ऐसे ही करते जाना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।